नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि लोग मंगलवार के दिन बहुत ज्यादा उपवास रखते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, क्योंकि उनके जीवन में बहुत ज्यादा संकट होता है या फिर संकट से बचने के लिए वह पहले ही उपयोगिता का दर्शाते हैं। यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी है तो भगवान हनुमान का जाप कर सकते हैं या फिर भगवान हनुमान के मंदिर में जा सकते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ कुछ सरल से उपाय जिन्हें करने से आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन को आर्थिक समस्याओं से दूर कर सकते हैं। नंबर एक, यदि आप हनुमान मंदिर जा रहे हैं या फिर किसी काम से जा रहे हैं तो उसके लिए हनुमान मंदिर जाकर एक नारियल जरूर अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से जिस काम के लिए भी आप जा रहे हैं वह काम आपका जल्दी ही हो जाएगा। नंबर दो, यदि आप हनुमान मंदिर में जाते हैं तो वहां पर हनुमान मंदिर में जाकर ही हनुमान चालीसा पढ़े तो वह भी बहुत ज्यादा फलदायक होती है। नंबर तीन, यदि हो सके तो आप अपने घर पर ही हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं या फिर आप घर में बैठकर ही जी का मंत्र ओम हनुमंताय नमः इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। ऐसा करने से जो भी आपके काम है वह जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। नंबर चार, यदि आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा क्लेश रहता है, समस्याएं रहती हैं और आप चाहते हैं वह समस्याएं जल्दी ही दूर हो जाए तो आप अपने घर में बैठकर ही हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं या फिर मंदिर में जाकर भी सिंदूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो जाएंगी। तो ये है कुछ आसान से उपाय जो आप मंगलवार के दिन करते हैं या फिर शनिवार के दिन करते हैं तो उससे भगवान हनुमान भी प्रसन्न होते हैं और आपके जो भी कार्य हैं वह भी पूरे हो जाते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।